शूटर्स को ट्रांसपोर्ट किया था, उसको अरेस्ट किया। उनकी अरेस्ट के बाद भी हमारी टीम्स लगातार इस केस पे मेहनत करती रहीं और हमारी टीम्स को ये था कि जल्द से जल्द जो अभी बाकी चार शूटर नहीं पकड़े गए और जो लोग इनको मेन शरण दे रहे थे, इनको लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड कर रहे थे, इनको हाइडआउट्स प्रोवाइड कर रहे थे, इनके वेपन संभाल रहे थे, इनको गाड़ियां दे रहे थे, उन पे भी एक्शन किया जाए। उसी के चलते कल देर रात तकरीबन 11 बजे के आसपास हमारी टीम जो कि लगातार 6 स्टेट में इनके पीछे लगी थी, मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात और दिल्ली, इन सारी जगहों पे एक दो बार हमारी टीम ने इनको मिस भी किया, लेकिन उन्होंने फिर भी अपना एफर्ट नहीं छोड़ा और पीछा करते रहे। जो भी लीड मिलती रही उसको बड़ा डिलीजेंटली डेवलप किया और कल रात तकरीबन 11 बजे जब ISBT पे अंकित सिरसा, जो कि सबसे यंगेस्ट शूटर था, वन ऑफ द मोस्ट डेस्परेट था, जिसने दोनों हाथों से फायरिंग करी और जो सबसे करीब जाके जिसने गोलियां चलाई उसको अरेस्ट किया, जो उसका साथी था सचिन बेवानी, इसको भी इसके साथ अरेस्ट किया गया। सचिन बेवानी ने इनको तमाम सपोर्ट प्रोवाइड करी। वारदात से पहले ये जब उकलाना मंडी में रुके, सिरसा डिस्ट्रिक्ट में रुके और फतेहाबाद में मूवमेंट हुई तमाम जगह पे, और इंसिडेंट के बाद तोशाम में, फतेहाबाद में, पिलानी में, बाद में कच्छ एरिया में, उसके बाद जो 6 स्टेट्स मैंने आपको बताई हैं उसमें भी जितनी मूवमेंट इनकी हुई उसमें सचिन बेवानी और इसका एक साथी कपिल पंडित, इन्होंने मेन रोल प्ले किया। तो इनके साथ दीपक मुंडी भी था जो कि अभी ऑन द रन है, एब्सकॉन्डिंग है, जो कि चौथा शूटर है, और उसके अलावा दो शूटर्स का हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, एक मनप्रीत माणू करके है जो कि मोगा डिस्ट्रिक्ट का है पंजाब में, और छठा शूटर जो है वो जगरूप रूपा है, वो तरन तारन का है। तो इस तरीके से स्पेशल सेल लगातार इस पे काम कर रहा है, जैसे कि ऑर्गेनाइज्ड गैंग्स पे, सिंडिकेट्स पे, एंटी टेरर पर्सपेक्टिव से स्पेशल सेल हमेशा काम करता आया है, और स्पेशल सेल का हमेशा यही फोकस रहा है कि जो लोग भी ऐसी बड़ी वारदात में शामिल होते हैं जिसकी इंटरस्टेट रेमिफिकेशंस हैं, जिससे फ्यूचर में दिल्ली में भी कोई चीज़ ऐसी हो सकती है दुर्घटना, तो स्पेशल सेल का यही टास्क होता है कि हमारी ये तमाम कोशिश रहे कि जो चीज़ कहीं और हुई है उसको राजधानी में होने से फ्यूचर में प्रिवेंट किया जा सके। तो हमारी सारी टीम्स ने, स्पेशल सेल की ने, नॉट ओनली न्यू दिल्ली रेंज बट बाकी रेंजेस भी, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, नदन रेंज, सदर्न रेंज, CI, साउथ वेस्ट, इन सब ने भी बहुत अच्छा काम किया इसमें, काफ़ी ग्राउंड वर्क किया और बहुत अच्छा एक ज्वाइंट एफर्ट रहा। और ये चीज़ भी हम बताना चाहेंगे कि हमने नेबरिंग लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी से भी बहुत अच्छा कोऑपरेट किया है, तमाम इनपुट्स हमने बड़े टाइमली शेयर किए, उनसे भी हमें काफ़ी कोऑपरेशन मिला है, और ये एक ज्वाइंट एफर्ट है जिससे कि ये जो शूटर्स थे जिन्होंने इतनी प्लानिंग से सारी वारदात को अंजाम दिया था,